प्रिय छात्रों, गजल के पहले छंद को आपने ध्यान पूर्वक सुना। अब मैं चाहता हूं कि उसका सारांश छात्रों आप तक पहुंचा दूं और कवि या शायर हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। वो पहले ही छंद में हमसे कह रहा था कि पक्षियों को अपने पंखों पर, अपने परों पर भरोसा होता है और उन्हें ये सिखाना नहीं पड़ता कि उन्हें कितना उड़ना है, उन्हें कैसे उड़ना है। वो खुद अपने परों की शक्तियों से अंदाजा लगा लेते हैं कि उन्हें आसमानों पे कितना ऊपर उड़ना है। अब इसी प्रकार वो मनुष्य को एक ज्ञान दे रहे हैं कि जब वो भी अपने लक्ष्य पाने के लिए अपने आप पर उसको भी भरोसा होना चाहिए, और जब वो ऐसे अपने आप पर, इन पक्षियों के जैसा अपने आप पर भरोसा करना सीख लें तो वो मंजिल को आसानी से पा सकता है। प्यारे छात्रों, कवि दूसरे छंद में हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अपने इरादे मजबूत होना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर हमें डटे रहना चाहिए। वो हमसे ये कह रहा है कि जो हौसले वाले लोग होते हैं, हौसले वाले मनुष्य होते हैं, वो अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं, मगर जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो मंजिल की कठिनाइयों को देखकर वो अपने आप को रोक लेते हैं। वो ऐसे लोग कमज़ोर हो दिल के हुआ करते हैं। शायर उनको हौसला देने के लिए कह रहा है कि कमज़ोर दिल जो होते हैं वो कठिनता की ओर बढ़ते बढ़ते अपने हौसलों को पस्त कर लेते हैं और रुक जाते हैं। जबकि शायर कमलेश भट्ट कमल साहब हमको, छात्रों को, समाज को, मनुष्यों को एक ज्ञान दे रहे हैं कि हमें परिंदों की तरह अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इसके बाद अगले छंदों को मैं फिर आपके सामने एक बार लाने की कोशिश करूंगा। जब तक के आज्ञा दीजिए।